वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो क्लास 6 चैप्टर 4 इंटीजर्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 4D के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ना है। इसमें मैंने यहाँ पे रूल्स 1 लिखा है, टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विथ अनलाइक साइन, यू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन एंड गिव ए माइनस साइन टू द प्रोडक्ट। अगर आपको दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट निकालना हो या गुणनफल निकालना हो और दोनों अनलाइक साइन हो, मतलब अलग अलग साइन हो, तो हम सबसे पहले उसका वैल्यू निकाल देते हैं और उसमें माइनस साइन लगाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, माइनस फोर मल्टीप्लाई माइनस फाइव इज इक्वल टू हो जाएगा 4, 5 जा 20, माइनस साइन इसमें लग जाएगा। 9 × -15 इज इक्वल टू हो जाएगा -135, यहाँ पर माइनस लग जाएगा। जब भी दो अनलाइक साइन हो तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो निगेटिव आएगा। रूल टू है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विद द सेम साइन। अगर सेम साइन हो, एक ही तरह का साइन हो, तो हम लोग सबसे पहले उसका वैल्यू निकाल देते हैं और वो वैल्यू जो होगा वो आपको प्लस साइन में होगा। जैसे 4 × 5, 4, 5 जा 20 या -5 × 9 इज इक्वल टू 45 होगा। माइनस माइनस यहाँ पे कट जाएगा और 5 × 9 = 45 होगा। यही दो रूल्स है आपको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। इसमें आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन इंटीजर्स अब पढ़ाएंगे। इंटीजर्स में क्या प्रॉपर्टीज होता है? प्रॉपर्टीज तो मल्टीप्लिकेशन का हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, होल नंबर में भी बताया था। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज होता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज और इंटीजर्स, मतलब दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट भी एक इंटीजर्स होता है। जैसे 4 × 5 = 20, 20 इज आर इंटीजर्स, या -4 × 5 = -20, -20 इज आर इंटीजर्स। यानी कि दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट भी एक इंटीजर्स ही होता है। उसके बाद दूसरा आता है कम्यूटेटिव लॉ, ये भी आपने पढ़ा है। फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी वी हैव ए टू बी इज इक्वल टू बी इनटू ए। यानी कि कोई भी दो इंटीजर्स है, ए और बी वहाँ पे मान लेते हैं या कोई और भी मान ले सकते हैं, तो ए गुना बी करें या बी गुना ए करें, मतलब किसी भी ऑर्डर में उसको आप गुना कर सकते हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि 4 × 5 या 5 × 4 इज इक्वल टू 20 होगा। उसी तरह अगर आप माइनस में भी लेते हो तब भी वही बात होगा। एसोसिएटिव लॉ होता है, इफ ए बी सी बी एनी थ्री इंटीजर्स देन ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी इंटू सी या इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। मतलब किसी, जब भी थ्री इंटीजर्स का गुना आपको करना है, प्रोडक्ट उसका निकालना है, तो किसी दो इंटीजर्स को पहले आप गुना कर लीजिए, उसके बाद तीसरे से एक दो इंटीजर्स को पहले गुना करिए और उसका जो प्रोडक्ट होता है उसको तीसरे से फिर से मल्टीप्लाई करिए, यानी कि ए इंटू बी इंटू सी या ए बी इंटू सी हो जाएगा। चौथा है स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव मैंने आपको बताया था, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। तो इफ ए बी सी बी एनी थ्री इंटीजर्स देन ए इंटू बी प्लस सी कर लीजिए। तो ए इंटू बी प्लस सी को अगर आप तोड़ते हैं तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी होता है। हो सकता है मे बी इसमें आपको, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ए इंटू बी प्लस सी, तो यहाँ पे ए इंटू बी कर लेंगे और ए इंटू सी कर लेंगे। तो ए इंटू बी, अगर तीन नंबर हमने लिया, थ्री इंटीजर्स लिया, एक फोर लिया, एक माइनस फाइव लिया, एक माइनस सिक्स ले लिया, तो 4 × -5 और फिर यहाँ पे हम लेंगे 4 × -6, 4 × -5 करेंगे तो -20 होगा और 4 × -6 करेंगे तो 4, 6 = 24, -24 होगा। -20 और -24 इज इक्वल टू -44। उसके बाद स्टूडेंट्स 5 रूल्स से यहाँ पे मैंने आपको बताया था, इसको मैंने लिखा नहीं है, ऐसे ही आपको बताया है कि किसी भी संख्या में जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या हमको प्राप्त होती है। इसको
मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ वन बोलते हैं, और या सिक्स नंबर है a इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो आपने यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, फिर यहाँ पे आपने कम्युटेटिव लॉ पढ़ा, फिर एसोसिएटिव लॉ पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ा, फिर वन से पढ़ा और फिर जीरो से पढ़ा। तो इस तरह से ये आपका प्रॉपर्टीज है। एक्सरसाइज डी पे चलते हैं, फोर डी पे। इसमें क्वेश्चन नंबर वन कर रहा है मल्टीप्लाई, तो इसमें क्वेश्चन नंबर वन मैंने बनाया है जो कि बोल रहा था 15 इंटू 9 इज इक्वल टू, तो 15 इंटू 9 कर लीजिए, 59 या 135 होता है। फिर क्वेश्चन नंबर टू है स्टूडेंट 18 इंटू माइनस 7, तो 18 7 जा 126 होता है। तो यहाँ पे आपको दो अनलाइक साइन है तो आपको माइनस साइन ही लगेगा, तो 18 7 जा माइनस 123 माइनस साइन लग जाएगा। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर वन टोटल बन जाएगा। इसमें ध्यान देंगे जो रूल्स मैंने लिखवाया था कि जब भी दो अनलाइक साइन हो तो उसको गुना करें और यहाँ पे माइनस का साइन लगा दें। दूसरा है क्वेश्चन नंबर टू है स्टूडेंट फाइंड द प्रोडक्ट है। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टू माइनस टू इंटू थ्री इंटू माइनस फोर है। पहले किसी दो को कर लेंगे, जैसे माइनस टू इंटू थ्री मैंने किया तो टू थ्री जा सिक्स माइनस सिक्स आया, माइनस सिक्स इंटू माइनस फोर कर लेंगे, तीसरे से गुना कर लेंगे, छः चौकी चौबीस हो गया, माइनस माइनस कट जाएगा तो ये 24 आपका आ जाएगा जो कि प्लस में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री है स्टूडेंट ये कह रहा है कि यूज कन्वेनियंट ग्रुपिंग एंड फाइंड द वैल्यू। ये है आपका क्वेश्चन है यहाँ पे 18 इंटू माइनस 27 इंटू 30, किसी दो को एक बार गुना कर लीजिए आप। जैसे मैंने यहाँ पे 18 और 30 को किया, दोनों प्लस में है, दोनों को एक साथ गुना किया, 18 गुना 30 आप करेंगे 18 जीरो जीरो और 18 थ्री जो 54 यानी कि 540 आई इंटू, फिर तीसरा जो छूटा हुआ है माइनस 27 को लाया तो 540 इंटू माइनस 27 आप करेंगे तो 14,586 आएगा जो कि माइनस में आएगा क्योंकि एक निगेटिव और एक पॉजिटिव अनलाइक साइन है तो माइनस में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर है स्टूडेंट वेरीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर फोर पे ध्यान दीजिएगा, ये है आपको वेरीफाई द फॉलोइंग है। तो ये आप यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया है 18 इंटू 9 प्लस 7 इज इक्वल टू 18 इंटू 9 प्लस 18 इंटू 7, जैसे मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे बताया था, तो उसमें मैंने बताया था ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो इस आधार पर हम इसको वेरीफाई करेंगे, तो 9 और 7, 9 पॉजिटिव है और 7 निगेटिव है, तो जब भी इसको जोड़ना होता है अनलाइक साइन है इसको अगर जोड़ना है तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंस निकालते हैं, तो 9 में से 7 गया 2 हो गया और यहाँ पे सबसे बड़ा वैल्यू ऑफ नंबर है 9 का, तो ये पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे 2 पॉजिटिव हो जाएगा। फिर इज इक्वल टू 18 इंटू 9 करेंगे 162 आ जाएगा और 18 गुना माइनस 7 करेंगे तो माइनस 126 आ जाएगा। तो ये 18 टू जा 36 हो गया, फिर 162 प्लस माइनस 126 को ऐड करेंगे, तो चूंकि दो अनलाइक साइन को जब जोड़ना होता है तो हम लोग उसका डिफरेंस निकालते हैं, तो 162 और 126 का डिफरेंस 36 आएगा और इसमें सबसे बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू 162 का है जो कि पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव में रहेगा, तो 36 इज इक्वल टू 36 हो गया, तो LHS और RHS दोनों बराबर हो गया यानी कि दोनों का वैल्यू बराबर हो गया, तो ये वेरीफाई हो गया। यहाँ पर मैंने किस रूल्स पे इसको वेरीफाई किया, ये मैंने लिख दिया ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी प्रूफ हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट्स स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फाइव पे ध्यान देंगे, एक बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे कॉर्नर पे आपको मल्टीप्लाई लिखा हुआ है और इधर दिया हुआ है, तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये माइनस थ्री है और ये माइनस थ्री है, माइनस माइनस कट के प्लस हो जाता है, जब दो सेम साइन होता है तो वो प्लस में उसका आंसर आता है, तो माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री नाइन हो जाएगा, माइनस थ्री इंटू माइनस टू इक्वल सिक्स हो जाएगा, माइनस थ्री इंटू माइनस वन इक्वल थ्री हो जाएगा, माइनस थ्री इक्वल जीरो यानी कि जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए अब क्या होगा, माइनस थ्री प्लस वन है यहाँ पे,
तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो चूंकि आपको बोला था, मैंने अभी रूल्स लिखवाया भी था कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव का अगर गुना करना है तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आता है। तो माइनस थ्री इंटू वन करेंगे तो माइनस थ्री होगा, माइनस थ्री इंटू टू सिक्स हो गया, माइनस थ्री इंटू थ्री इक्वल नाइन हो गया। यानी कि ये इसको इस बॉक्स को आपको फिल करके बताना है, फिल करना है। तो आप इसमें ध्यान देंगे, जैसे मैंने दो रूल्स लिखवाया था, अगर दो माइनस है, दो माइनस इंटीजर्स का गुना करना है तो उसका गुणनफल प्लस में आएगा, और दो अनलाइक साइन है, जैसे एक माइनस और एक प्लस है, तो उसका जो हमेशा जो उसका प्रोडक्ट होगा या गुणनफल होगा वो निगेटिव में ही आएगा। यहाँ पर माइनस सिक्स और माइनस नाइन हो जाएगा। इस तरह से सेकंड लाइन में आपको माइनस टू के साथ इसका गुणा करना है टोटल का, तो उसी तरह कर लेंगे, माइनस टू और माइनस थ्री, माइनस टू थ्री जब सिक्स हो जाएगा, ये फिर माइनस टू टू जब फोर हो जाएगा, टू वन जब टू हो जाएगा, टू जीरो जीरो हो जाएगा, माइनस टू प्लस वन करेंगे, इंटू करेंगे इसका, माइनस टू इंटू वन प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा, माइनस टू टू जब माइनस फोर हो जाएगा, माइनस टू थ्री जब माइनस सिक्स हो जाएगा। इस तरह से ये बॉक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर फाइव में। क्वेश्चन नंबर सिक्स है स्टूडेंट, ट्रू और फॉल्स आपको बताने हैं। उसमें से क्वेश्चन नंबर वन मैंने आपको बताया है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स इज नेगेटिव। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक पॉजिटिव इंटीजर्स का और एक नेगेटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होगा क्या वह नेगेटिव होगा, तो इसका आंसर ट्रू होगा। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि जब भी दो इंटीजर्स का आपको मल्टीप्लाई करना है और एक दोनों अनलाइक साइन पे हो, मतलब एक नेगेटिव में हो और एक पॉजिटिव में हो, तो उसका हमेशा आंसर जो है नेगेटिव में आता है। इस तरह से ये ट्रू हो जाएगा। आगे दो चार क्वेश्चन जो हैं वो आप इस तरह से बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेवन स्टूडेंट्स कर रहे हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर वन है माइनस नाइन इंटू सिक्स प्लस माइनस नाइन इंटू फोर। ये क्वेश्चन जो है वो रूल्स इस रूल्स पे आधारित है, जैसे ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी कर लेंगे, यानी कि इज इक्वल टू ए बी प्लस सी पे है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे है, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो ए बी प्लस सी कर लेंगे, तो ये दोनों कॉमन क्या है, नाइन है, तो माइनस नाइन इंटू सिक्स प्लस फोर मैंने किया, तो सिक्स प्लस फोर को मैंने ऐड किया तो ये टेन आ गया, माइनस नाइन इंटू टेन इज इक्वल टू माइनस नाइनटी हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, अगर ये मान लो कि माइनस नाइन इंटू सिक्स कर रहा है और प्लस माइनस नाइन इंटू फोर कर रहा है, माइनस नाइन इंटू फोर कर रहा है, आप सिंपल इसको गुना अगर करते हो तो इसका गुणनफल जो होगा नाइन नाइन सिक्स फिफ्टी फोर, माइनस फिफ्टी फोर हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पे नाइन नाइन फोर जब माइनस थर्टी सिक्स हो जाएगा। तो जब आप इस दोनों को ऐड करोगे तो सिक्स और फोर टेन हो जाएगा, फाइव थ्री एट और वन नाइन हो जाएगा, ये माइनस नाइन आंसर इसका आ जाएगा। तो आप इस तरह से भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो और उसके द्वारा भी लॉ के द्वारा भी आप इसको कर सकते हो। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका एक्सरसाइज फोर्टी जो है कम्प्लीट होता है। आप इसको अपने पेयर में बना लेंगे और एक्सरसाइज 40 कंप्लीट कर लेंगे।